हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज ऑफ स्टडीज का जो है अध्ययन करते हैं। इसके पहले मैं इसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें हम इसको पढ़ा चुके हैं ऑफ स्टडीज, जिसके राइटर हैं फ्रांसिस बेकन, जो फादर ऑफ इंग्लिश इससे कहे जाते हैं। तो उस पहले पार्ट में हम आपको बता चुके हैं अटेंशन तक पढ़ाए थे, कहाँ तक? अटेंशन तक। आज जो है हमको पढ़ाना है सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, यहाँ से पढ़ाना है सम बुक्स तक। यहाँ अटेंशन तक हो चुका है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा पार्ट आज देखते हैं। सम बुक्स आल्सो मे बी रेड बाई डिप्यूटी, कुछ किताबें आल्सो मे बी रेड माने भी पढ़ी जा सकती है, आल्सो मीन्स भी, मे बी रेड पढ़ी जा सकती है बाई डिप्यूटी। डिप्यूटी का अर्थ क्या होता है? बाई डिप्यूटी माने होगा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बनाया गया सारांश या नोट्स, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बनाया गया सारांश या नोट्स, तो बाय डिप्यूटी उसी कहते हैं। बाय डिप्यूटी मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो सारांश प्रस्तुत करता है दूसरा आदमी, उसी को कहते हैं बाय डिप्यूटी। क्लियर? तो हो जाएगा सम बुक्स आल्सो मे बी रेड बाय डिप्यूटी, कुछ किताबें दूसरे के द्वारा बनाए गए सारांश या नोट्स के द्वारा पढ़ने के लिए होती हैं। क्लियर? कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो दूसरे के द्वारा जो सारांश लिखा जाता है, उसका समरी लिखा जाता है, नोट्स उसको संक्षेप में करके, तो उसके द्वारा पढ़ने के लिए होती है, मतलब तभी हमको अच्छे से समझ में आता है। क्लियर? जो बहुत डिटेल में है तो उसका कोई सारांश लिख दिया, उसको आप पढ़ लीजिए। जैसे नॉन डिटेल स्टडी जो होती नहीं है तो हमको डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, तो कोई उसका सारांश जो समरी दे दिया जाता पाठ में, तो हम समरी पढ़कर ही उसका जानकारी ले लेते हैं, उसी को कहते हैं बाय डिप्यूटी वाली बुक। तो कुछ किताबें जो है दूसरे के द्वारा बनाए गए नोट्स के आधार पर या सारांश के आधार पर पढ़ने के लिए होती हैं, तो बाय डिप्यूटी मतलब दूसरे द्वारा बनाया गया नोट्स या सारांश। एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम बाय अदर्स, एक्सट्रैक्ट माने होता है सारांश, समरीज, एक्सट्रैक्ट माने भी समरीज, और वह समरी जो है सारांश जो है मेड ऑफ देम बाय अदर्स, उनके लिए जो है उनको जो है दूसरों के द्वारा बनाया जाता है, और वह सारांश उनके उनको जो है दूसरों के द्वारा बनाया जाता है, बाय अदर्स दूसरों के द्वारा, मेड ऑफ देम उनके लिए बनाया जाता है, एक्सट्रैक्ट्स माने सारांश, एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम बाय अदर्स, ठीक है, और वह सारांश जो है दूसरों के द्वारा उनको बनाया, उनके लिए बनाया जाता है, उनको मतलब वो किताबों को जो है का जो सारांश होता है उसको दूसरों के द्वारा बनाया जाता है। तो कुल मिला के यही होगा कि मतलब कुछ किताबें दूसरों के द्वारा बनाए गए नोट्स या सारांश के द्वारा पढ़ने के लिए होती हैं, ठीक है। तो इसका पूरा का मतलब ये हो गया, कुछ किताबें दूसरे के द्वारा बनाए गए नोट्स या सारांश के द्वारा पढ़ने के लिए होती हैं। बट दैट वुड बी ओनली इन लेस इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट्स, बट दैट वुड बी, लेकिन वह होगा ओनली मानी केवल इन लेस, लेस मीन्स कम, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, आर्गूमेंट्स माने तर्क, लेकिन यह जो है कम महत्वपूर्ण तर्क होगा, यानी कि यह जो है कम महत्वपूर्ण तर्कों में होगा। एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, तो मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स माने होता है कम महत्व की किताबें। क्लियर? मीनर सॉर्ट ऑफ मतलब होता है कम महत्व की, तो मीनर उसको कहते हैं, मीन माने क्या होता है, मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स मतलब कम महत्व की किताबें या महत्वहीन किताबें। क्लियर? तो वही कह रहे हैं कि एंड मीन द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, और वे किताबें जो कम महत्व की होती हैं, मीनर माने मीन पर्सन, सुने हो, मीन पर्सन माने तुच्छ आदमी, जिसका समाज में कम महत्व हो। क्लियर? तो मीनर मतलब कम महत्व वाली, सॉर्ट माने क्या होता है, सॉर्ट ऑफ माने काइंड ऑफ, प्रकार की, बुक्स माने किताबें, और वे कम महत्व वाले प्रकार की किताबें होती हैं। एल्स, ठीक है, एल्स मतलब अलावा, ठीक है, तो कम महत्व वाले प्रकार की किताबें, एल्स डिस्टिल्ड बुक्स, ठीक है। फिर कह रहा है कि डिस्टिल्ड बुक्स, डिस्टिल्ड बुक्स मतलब होता है, डिस्टिल्ड मतलब होता है वैसे शुद्ध किया हुआ, ठीक है, वो बुक्स माने किताबें, तो शुद्ध की हुई किताबें मतलब यहाँ संक्षिप्त किताबें। क्लियर? डिस्टिल्ड का मतलब यहाँ संक्षिप्त से, जैसे डिस्टिल्ड वाटर होता है तो वो शुद्ध किया हुआ पानी होता है, तो किताब के लिए डिस्टिल्ड मतलब संक्षिप्त, जिसको कहते हैं एवराइज्ड, एवराइज्ड माने संक्षिप्त, या कंडेंस्ड माने भी संक्षिप्त। क्लियर? ठीक, संक्षिप्त की हो, जैसे कंडेंस्ड मिल्क होता है, खोआ की अंग्रेजी होती है, तो मतलब क्या, उसी तरह से संक्षिप्त की किताब है। डिस्टिल्ड बुक्स माने संक्षिप्त किताबें, मतलब परिशोधित किताबें, जो मतलब बहुत शुद्ध की हैं, नॉलेज उसमें दिया गया हूँ।
और कह रहे हैं कि संक्षिप्त किताबें जो है, संक्षिप्त की गई किताबें जो सारांश बना दिया जाएगा तो संक्षिप्त हो जाएंगी ना, ज़्यादा जानकारी थोड़े में हो जाएगी ना, वही डिजिटल बुक्स वही सिक्का ने एल्स माने अलावा, इसके अलावा संक्षिप्त किताबें जो है कह रहे हैं कि फिर आर लाइक कॉमन डिजिटल वाटर, आर माने होती हैं, लाइक माने तरह या वैसे ही होती हैं जैसे, कॉमन माने सामान्य रूप से, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल माने होता है निचोड़ा हुआ, वाटर्स माने पानी, निचोड़ा हुआ पानी का मतलब वही शुद्ध किया हुआ पानी जिसको कहते हैं फिल्टर्ड वाटर, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि डिस्टिल्ड बुक्स मतलब वही संक्षिप्त किताबें, संक्षिप्त किताबें मतलब आपको जान लीजिए पुस्तकों का सारांश जो होता है, क्लियर, मेन अर्थ इसका ये लोग, तो जो पुस्तकों का सारांश होता है ठीक है, एल्स डिस्टिल्ड बुक्स, इसके अलावा संक्षिप्त किताबें अर्थात पुस्तकों का सारांश, ठीक है, समरी ऑफ बुक्स, ठीक है, या एब्रॉइज बुक्स। तो इसके अलावा पुस्तकों का सारांश जो है कह रहे हैं कि आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स, आर माने होता है वैसे ही, लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर जैसे सामान्य रूप से निचोड़ा हुआ पानी होता है या शुद्ध किया हुआ पानी होता है, क्लियर। तो वो चीज़ कह रहे हैं कि इल्स डिस्टिल्ड बुक्स, इसके अलावा जो संक्षिप्त किताबें, संक्षिप्त किताबें मतलब यहाँ किताबों का जो सारांश बनाया जाता ना, संक्षिप्त थोड़े में कर दिया जाता, तो इसके अलावा पुस्तकों का सारांश डिस्टिल्ड बुक्स कहा गया। आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर, वह वैसे ही होता है जैसे सामान्य रूप से शुद्ध किया हुआ पानी, ठीक है, परिशोधित पानी जिसको कहते हैं। फ्लैशी थिंग्स, जिसमें से फ्लैशी थिंग्स माने क्या होता है, फ्लैशी माने होता है आकर्षक किंतु व्यर्थ, मतलब जो देखने में तो अच्छा लगे किंतु व्यर्थ हो, उसको कहते हैं फ्लैशी, इस तरह से व्यर्थ, फ्लैशी मतलब होता है व्यर्थ, अट्रैक्टिव बट नॉट गुड, टेस्टलेस मतलब बेकार ही कह दो, कोई दिक्कत नहीं, फ्लैशी थिंग्स माने चीज़ें। तो कह रहे हैं कि फ्लैशी थिंग्स, जिसमें से कह रहे हैं कि बेकार की चीज़ें, जो बेकार की चीज़ें होती हैं, दिखावटी चीज़ें होती हैं, उसको क्या किया जाता है, पानी में से निकाल दिया जाता है, डिस्टिल्ड वाटर्स फ्लैशी थिंग्स, क्लियर, निचोड़ा हुआ पानी जिसमें से फ्लैशी थिंग्स जो है को ही निचोड़ दिया जाता है, मतलब निकाल दिया जाता है, देखने में तो अच्छी चीज़ें होती हैं, ठीक, उनको निकाल दिया जाता है पानी में से, तो वो पानी क्या हो जाता है, शुद्ध। उसी तरह से मतलब कि जो बहुत किताबें होती हैं, जैसे मतलब दिखावटी किताबें होती हैं, ठीक किताबें नहीं होती, तो उसमें से हम फालतू चीज़ें क्या करते हैं, निकाल देते हैं, मेन मेन चीज़ों को समरी आपको दे देते हैं, तो वो उसी तरह से हो जाती है जैसे जो है बेकार की चीज़ों को जो है, ठीक है, आकर्षक किंतु बेकार की चीज़ों को निकाल देने के बाद जो है शुद्ध पानी हो जाता है, निचोड़ा हुआ पानी हो जाता है, क्लियर, इस तरह से पानी में से खराब चीज़ों को निकाला जाता है, शुद्ध पानी हमको मिलता है, उसी तरह से किताबों में से बेकार की चीज़ों को निकाला जाता है, तो किताबों का जो सारांश, ठीक है, हमको हमारे काम का होता है, उसको हम पढ़ते हैं, कुछ किताबें इस तरह से पढ़ने के लिए होती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, फिर पढ़ने के बारे में लेखक कह रहे हैं कि रीडिंग मेक्स, पढ़ना जो है मेक्स माने बनाता है, मेक्स माने मेक्स, ठीक है, पढ़ना जो है मेक्स, मेक्स मतलब मेक्स बना देता है, ए फुल मैन, फुल मैन मतलब पूर्ण व्यक्ति, पढ़ना जो है व्यक्ति को पूर्ण बना देता है, क्लियर। कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, कॉन्फ्रेंस माने होता है वार्तालाप, कन्वर्सेशन, रेडी मैन माने तर्कपूर्ण व्यक्ति, रेडी मतलब तैयार व्यक्ति, मतलब कोई कुछ भी कहे तो आप तुरंत उसका जवाब देने के लिए तैयार रहो, तर्कपूर्ण व्यक्ति या चतुर व्यक्ति भी कह सकते हो आप इसको, क्लियर, एकदम चतुर रहे, जैसे आप कहो तो तुरंत वो जवाब हाजिर कर देगा, ठीक है ना। जैसे पिछले क्लास में आप पढ़े थे टेनाली रमन थे, वो जो है क्या था, हाजिर जवाब के लिए, हाँ मिट्टी कोट के, तो इस तरह से रेडीमेंट, तो कॉन्फ्रेंस से रेडीमेंट, वार्तालाप जो है व्यक्ति को जो है तर्कपूर्ण बना देता है, बातों करने की कला जिसके अंदर हो जाएगी वो तर्कपूर्ण रहेगा, कोई भी कुछ कहेगा तो जवाब तुरंत दे सकता है। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और राइटिंग मतलब होता है लिखावट यानी लेखनी का काम करने वाला, एग्जैक्ट मैन, ठीक है, एग्जैक्ट मैन मतलब होता है संक्षेप में और ढंग से बात करने वाला व्यक्ति, एग्जैक्ट मतलब एकदम सही आदमी का मतलब क्या, संक्षेप में ही और ढंग से बात करने वाला व्यक्ति बना देती है, क्लियर, एग्जैक्ट, जैसे लिखते हो तो आप हर चीज़ एकदम एग्जैक्ट ढंग से आपको समझ में आ जाता है ना, तो उसी तरह से यहाँ भी राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन, लिखावट आदमी को एग्जैक्ट मैन बना देती है, संक्षेप में और ढंग से बात करने वाला व्यक्ति बना देती है, या एक ठीक आदमी बना देती है, क्लियर, मतलब हाँ लिख कर तैयार करने से जैसे हमको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाता ना, वही चीज़। एंड देयर फॉर, और इसीलिए इफ ए मैन राइट लिटिल, यदि कोई व्यक्ति जो है राइट लिटिल, राइट लिटिल माने कम लिखता है, यदि कोई व्यक्ति लिखता कम है
लिटिल माने थोड़ा थोड़ा ही लिखता है, कुछ लोग की आदत होती है ना वो ज़्यादा लिखना नहीं चाहते हैं, कौन लिखे हम उसे पढ़ ले रहे हैं, ठीक ना। तो कह रहा कि इसीलिए यदि कोई व्यक्ति जो है कम लिखता है, थोड़ा लिटिल मतलब ना के बराबर, थोड़ा ही लिखता है, बहुत कम ही लिखता है, ही हैड नीड हैव ए ग्रेट मेमोरी, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा ही हैड नीड हैव ए ग्रेट मेमोरी माने उसे महान याददाश्त रखने की आवश्यकता होगी। ही हैड नीड, देखिए यहाँ हैड माने पास, तो ही हैड नीड, तो उसके पास आवश्यकता होगी, क्या आवश्यकता होगी, हैव मतलब रखने की, ए ग्रेट मेमोरी माने महान याददाश्त, क्लियर। ग्रेट मीन्स महान या बड़ा, तो उसे मतलब या अत्यधिक भी होता है ग्रेट माने, तो उसे महान याददाश्त रखने की आवश्यकता होगी, यानी अत्यधिक याददाश्त, ज़्यादा याददाश्त रखने की जरूरत होगी। अगर आप लिखोगे नहीं तो याददाश्त रखने की जरूरत होगी नहीं, अगर याददाश्त भी नहीं रखोगे, लिखोगे नहीं, तब तो काम गड़बड़ हो जाएगा भाई। ना लिखो ठीक है, लेकिन उतना तब को आपको मेमोरी रखना पड़ेगा, हाँ ठीक है हमको याद रहेगा, हम लिखेंगे नहीं, ठीक। तो वही कह रहे हैं कि यदि जो है कोई व्यक्ति जो है थोड़ा लिखता है तो उसे जो है अत्यधिक याददाश्त रखने की आवश्यकता होगी। इफ ही कॉन्फर लिटिल, ठीक है, कॉन्फर माने बातचीत करना, कॉन्फर से कॉन्फ्रेंस बना है, कन्वर्सेशन, ठीक है, कन्वर्स कॉन्फर मतलब, यदि वह थोड़ा सा बातचीत करता है, ना के बराबर बातचीत करता है, ठीक है, ही हैड नीड हैव प्रेजेंट विट, तो ही हैड नीड हैव, तो उसे आवश्यकता होगी, ठीक है, प्रेजेंट विट, ठीक है, वर्तमान में विट माने क्या होता है, बुद्धि या चतुराई, तो वर्तमान बुद्धि की मतलब क्या, चतुराई की आवश्यकता होगी, क्लियर, क्लियरनेस की आवश्यकता होगी, ठीक है। यदि वह बातचीत थोड़ा मतलब करता है तो उसे चतुराई की आवश्यकता होगी, क्योंकि भाई तर्कपूर्ण करने की क्षमता कम रहेगी, तो चतुर होना पड़ेगा उसको ना, कि ऐसे आवश्यकता पड़ने पर ये चतुराई से आंसर दे ले, ठीक है। तो ही हैड नीड हैव प्रेजेंट विट, तो उसके पास वर्तमान बुद्धि की आवश्यकता होगी, अर्थात मतलब कि चतुराई की आवश्यकता होगी, क्लियर। एंड इफ ही रीड लिटिल, और यदि वह थोड़ा सा पढ़ता है, यदि वह पढ़ता थोड़ा है, लिटिल मतलब थोड़ा सा, ना के बराबर, ही हैड नीड हैव मच कनिंग, तो उसे कह रहे हैं कि कनिंग माने चालाकी, ठीक है, तो ही हैड नीड हैव मतलब उसके पास आवश्यकता होगी, हैव मीन्स रखने की, मच कनिंग माने अधिक चालाकी, तो उसे उसके पास जो है अधिक चालाकी रखने की आवश्यकता, उसे जो है अधिक चालाकी रखने की आवश्यकता होगी, क्लियर। कब, यदि वह जो है पढ़ता कम है तो चालाक रखने की, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो चालाक भी नहीं रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। टू सीम टू नो, और यही नहीं, टू सीम टू नो, सीम माने लगना, प्रतीत होना, उसे ये उससे ये प्रतीत होना चाहिए, टू नो कि वह जानना जानने वाला है, दैट ही डथ नॉट, ठीक है, जिसे वह डथ नॉट माने डज नॉट नो, जिसे वह जानता नहीं है, क्लियर। यहाँ देखिए डथ नॉट के बाद आपके फुल स्टॉप नहीं लिखा है कुछ किताबों में, आप डथ नॉट के बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए, और हिस्ट्री में एच बड़े से कर दीजिए, क्योंकि कुछ किताबों में सही है, ठीक है, कुछ किताबों में गलत है, क्लियर। लखनऊ प्रकाशन में एच बड़े से लिखा गया है, बौद्धिक प्रकाशन में एच छोटे से लिखा गया है, और उसके पहले फुल स्टॉप भी नहीं लगाया, तो आप उसको सही कर लीजिए, ये अलग वाक्य है, हिस्ट्री मेक माइंड वाइज, वो अलग वाक्य है, क्लियर, नहीं तो आपको और समझ में दिक्कत होगी। देखिए टू सीम टू नो, उससे ऐसा प्रतीत होना चाहिए, टू सीम माने प्रतीत होना चाहिए उस व्यक्ति से, टू नो कि वह जानता है, दैट ही डथ नॉट, दैट माने जिसे, ही डथ नॉट माने डज नॉट नो, जिसे वह जानता नहीं है, किससे यह प्रतीत होना चाहिए, मतलब कि यह है कि इफ़ ही रीड लिटिल, यदि वह थोड़ा पढ़ता है, कोई आदमी अगर थोड़ा पढ़ता है तो ही हैड नीड हैव मच कनिंग, तो उसके पास अधिक चलाकी की आवश्यकता होगी, क्लियर। और यही नहीं, टू सीम टू नो, उससे ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि वह जानता है, जानने वाला है, दैट ही डथ नॉट, कि वह नहीं जान, जो वह नहीं जानता है। जैसे होता क्या है समाज में, आप देखते हैं बहुत लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं, लेकिन उनसे ऐसा लगता नहीं है कि ये कम पढ़े हैं, ऐसा लगता है जैसे ये कम से कम ग्रेजुएट होंगे, ऐसा व्यवहार करते हैं ना, तो वही चीज़ है, जो पढ़े लिखे नहीं है तो उनसे ऐसा प्रतीत होना चाहिए लेखक के अनुसार, कि ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि जो वह नहीं जानता है, अगला आदमी सोचे कि हाँ ये इतना जानता होगा, क्लियर। ये बात जो है फ्रांसिस बेकन कहना चाहते हैं। तो आगे देखते हैं, फिर कह रहा है कि हिस्ट्रीज माने होता है इतिहास, ठीक है, नया सेंटेंस है, हिस्ट्रीज मेक मेन वाइज, इतिहास व्यक्ति को क्या बनाता है,
बुद्धिमान बनाता है। अब यहाँ बताने जा रहे हैं फ्रांसिस बेकन कि कौन कौन सा अध्ययन व्यक्ति को क्या क्या बनाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है हिस्ट्री से लेके एक्सप्लेनेशन आ सकता है कंटेंट तक आता है, कंटेंट तक। तीसरी लाइन, हिस्ट्री मेक मैन वाइज, इतिहास व्यक्ति को क्या बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है एक्सप्लेन के लिए, इतिहास व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। पोएट्री विटी, और पोएट्री क्या बनाती है, विट। ठीक है, तो विटी माने पोएट्री का मतलब वही पोएट्री जो काव्य होता है, कविताएं जो होती हैं। ठीक है, तो वो विटी बनाती है, विटी मतलब बुद्धि से युक्त बना देती है। विटिक मतलब भी होता है बुद्धि से युक्त होता है, विट माने बुद्धि होती है, चतुराई होती है। तो विटिक मतलब आप बुद्धि का मतलब यहाँ आपको बेटर पड़ेगा, बुद्धिमान एवं कल्पनाशील बना देती है। क्लियर, ठीक है, दोनों का अलग अलग लिखना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक जो है विटी का मतलब देखोगे तो इंटेलिजेंट एंड इमेजिनेटिव। ठीक है, इंटेलिजेंट एंड इमेजिनेटिव विटी माने बुद्धिमान और कल्पनाशील बना देती है। तो ये बता दो, ठीक है, इतिहास व्यक्ति को वाइज, वाइज मतलब इंटेलिजेंट बना देता है, और पोएट्री क्या बनाती है, पोएट्री मतलब काव्य यानी जो कविताएं हम काव्य में पढ़ते हैं, वो बिटी बना देती है, बुद्धिमान और कल्पनाशील बना देती है। जैसे होता क्या है, जो कवि होते हैं वो कल्पना के द्वारा ही तो लिखते हैं कविताएं है। जैसे आप फार स्काई लार्क पढ़े इसके पहले फर्स्ट ईयर में, तो उसमें आप क्या लिखे थे, कवि लिखे कि मैं तुम्हारा गीत सुन रहा हूँ, सबसे अच्छा है, दुनिया का कोई भी गीत इसके सामने बेकार है, तुम वहाँ से गा रहे हो, मैं सुन रहा हूँ। तो मतलब वो कल्पना से ही तो लिखे हैं ऐसा, तो बुद्धिमान तो है कभी, कल्पनाशील है। तो विटी पोएट्री अगर हम पढ़ेंगे तो हम भी ऐसी कल्पना करेंगे कभी की तरह, ठीक है, इमेजिनेटिव पावर हमारा बढ़ेगा। तो वही कह रहा है कि पोएट्री विटी, पोएट्री जो है हमको जो है क्या बनाती है, बुद्धिमान एवं कल्पनाशील बना देती है। द मैथमेटिक्स सटल, बी साइलेंट है, सटल, सटल माने क्या होता है, तो मैथमेटिक्स जो होती है सटल मतलब सूक्ष्म या शीघ्र ग्रहण करने वाला, सटल मतलब सूक्ष्म भी होता है या शीघ्र ग्रहण करने वाला। ठीक है, गणित जो होता है वो हमको शीघ्र ग्रहण करने वाला बना देती है। यह सटल का दूसरी हिंदी होती है बौद्धिक क्षमता, हमारे अंदर बौद्धिक क्षमता ला देती है, ऐसी बौद्धिक क्षमता जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। आप सुनो ना, मैथमेटिक्स पढ़ने से कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, एकाग्र, क्योंकि हम एक जगह स्थिर होकर सवाल लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बौद्धिक क्षमता हमारी ज़्यादा, अगर माइंड सबसे ज़्यादा बढ़ता है तो मैथमेटिक्स पढ़ने से बढ़ता है। ठीक ना, इसलिए पढ़ना चाहिए, बढ़ता सब चीज़ पढ़ने से लेकिन मैथमेटिक्स से ज़्यादा, इसलिए बता रहे कि मैथमेटिक्स सटल। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ किताबों में सबटाइल दे दिया है, सबटाइल नहीं रहेगा, सटल यस यू बी टी एल ई रहेगा। ठीक है ना, टी एल ई टी के बाद आई नहीं रहेगा, क्लियर। तो शीघ्र ग्रहण करने वाला, ठीक है, क्योंकि सबटल का मतलब यस यू बी टी आई एल जो है उसका मतलब यस यू बी टी एल ई ही होगा, क्लियर। वो थोड़ा ठीक है लैंग्वेज दूसरा है, अगर रहेगा अभी तो उसको सिनोनिम्स आप यस यू बी टी एल ई लिखेंगे, क्लियर, वो उसमें भले टी आई एल लिखा है। सटल माने सूक्ष्म या बौद्धिक क्षमता या शीघ्र ग्रहण करने वाला, तो शीघ्र ग्रहण करने वाला मतलब सटल, क्विक इन ग्रेस्पिंग आर अंडरस्टैंडिंग, क्विक अंडरस्टैंडिंग वाला मतलब तेजी से समझने वाला बना देती है मैथमेटिक्स। ठीक ना, शीघ्र ग्रहण करने वाला यानी तेजी से समझने वाला बना देती है, बौद्धिक क्षमता हमारे अंदर लाती है। नेचुरल फिलासफी, ठीक है, तो मैथमेटिक्स क्या बनाता है, सटल बना देता है, सटल माने होता है शीघ्र ग्रहण करने वाला, यानी कि जैसे क्विक अंडरस्टैंडिंग वाला हमें बना देती है नेचुरल फिलासफी। ठीक है, तो नेचुरल फिलासफी मतलब क्या होता है, प्राकृतिक विज्ञान मतलब क्या, खाली विज्ञान ही कह दो, ठीक है, नेचुरल माने उसे प्राकृतिक होता है, साइंस माने विज्ञान, इसका सिनोनिम साइंस होगा। नेचुरल फिलासफी, फिलासफी माने उसे दर्शन शास्त्र होता है, प्राकृतिक दर्शन शास्त्र जिसको कहते हैं साइंस विज्ञान, ठीक है ना, नेचुरल फिलासफी माने होता है साइंस विज्ञान। और कह रहे हैं कि विज्ञान जो होता है डीप, डीप माने गहरा, ठीक है, तो विज्ञान से हम गहरा सोच वाला बनाते हैं, विज्ञान वाले ज़्यादा क्या, साइंस वाले ज़्यादा करके आविष्कार वगैरह करते हैं ना, गहरा मतलब सोच वाला बनाती है। मोरल ग्रेव, ठीक है, मोरल माने नैतिक, ग्रेव माने गंभीर, तो मतलब विज्ञान जो है गहन ढंग से या गहरे रूप से नैतिक, ठीक है, मतलब कि गहरा सोच वाला बना देती है। मोरल का अलग बात है, तो मोरल का मतलब होता है, मोरल माने होता है इथिक्स, नीति शास्त्र, मोरल माने नैतिक होता है ना, तो नैतिक का मतलब नीति शास्त्र, ठीक है, एथिक्स जिसको कहते हैं, ई टी एच आई सी एस। अब मोरल जो है क्या बनाता है, मोरल का मतलब नीति शास्त्र, नीति शास्त्र भी एक विषय है, एथिक्स जिसको कहते हैं,
और ग्रेव बना देती हो। ग्रेव माने गंभीर, सीरियस। ग्रेव मतलब, ग्रेव माने कब्र भी होता है, ग्रेव माने सीरियस भी होता है। ठीक है, लाइफ इज, ठीक है। ग्रेव देखिए, मोरल जो है यानी नीति शास्त्र वो हमें ग्रेव बनाता है, गंभीर बना देता है, ठीक ना। और इसके बाद आगे बता रहे हैं कि लॉजिक एंड रिटोरिक। लॉजिक एंड रिटोरिक, तो लॉजिक का मतलब क्या होगा, तर्क, ठीक है। रिटोरिक माने भी होता है तर्क शास्त्र, तो लॉजिक एंड रिटोरिक पूरे का मतलब होगा तर्क शास्त्र। लॉजिक एंड रिटोरिक माने होगा तर्क शास्त्र, लॉजिक एंड रिटोरिक का मतलब तर्क शास्त्र होगा, ठीक है ना। तो रिटोरिक की स्पेलिंग आप RHETORIC यह भी लिख सकते हैं, वही तो है ना, कुछ किताबों में दूसरा भी है, ठीक है, उसमें सी के दिया था लकी नोट का, इसमें ठीक है, बहुत ही में RIC है, ठीक है, दोनों स्पेलिंग करेक्ट है। फिलहाल अपनी जगह लॉजिक एंड रिटोरिक माने होगा तर्क शास्त्र। एबल माने योग्य बनाता है टू कंटेंड, ठीक है, किसके बनाता है, कंटेंड। कंटेंड माने होगा तर्कपूर्ण ढंग से बहस करना, आर्ग्यू जिसको कहते हैं, ARGUE, ठीक है। टू कंटेंड माने टू आर्ग्यू, या टू डिस्कस लॉजिकली, टू आर्ग्यू या टू डिस्कस लॉजिकली, तर्कपूर्ण ढंग से बहस करना। फिर कह रहा है कि तर्कशास्त्र जो है वह हमें तर्कपूर्ण ढंग से बहस करने के योग्य बना देता है। जब तर्कशास्त्र आप पढ़ोगे तो तर्कपूर्ण ढंग से बहस करने के योग्य बनोगे, मतलब कौन कौन सा अध्ययन करने से व्यक्ति क्या क्या बन सकता है, ये चीज राइटर हमें बता रहे हैं। अब आगे देखिए, लैटिन कहावत यूज किए हैं लेखक, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा लैटिन भाषा का भी यूज करते थे, लैटिन प्रॉपर यूज करते थे लेखक, ठीक है। कहावत है कि एवियंट स्टूडिया इन मोर्स, एवियंट स्टूडिया इन मोर्स, ये पूरा लैटिन भाषा का फ्रेज है, इसका मतलब इंग्लिश में होता है स्टडीज पास इनटू करेक्टर, मतलब अध्ययनों से चरित्र निर्माण होता है। इसके हिंदी क्या होगी, अध्ययन से चरित्र का निर्माण होता है। स्टूडियम अवियंट माने होगा स्टूडिया, ठीक है, इन मोर्स, मोर्स मतलब होता है चरित्र, करेक्टर्स, ठीक है ना। यहाँ मोर्स मतलब मोरल से रिलेटेड है बातें अधिक नहीं। एवियंट स्टूडिया इन मोर्स मतलब ये लैटिन है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो, स्टडीज पास इनटू करेक्टर, क्लियर, स्टडीज पास इनटू करेक्टर। और भी कह सकते हो स्टडीज प्रीम, ठीक है, परमिट थ्रू द पर्सनालिटी ऑफ ए मैन, ठीक है, अध्ययन से चरित्र का निर्माण होता है, स्टडीज पास इनटू करेक्टर, अध्ययन से चरित्र का निर्माण होता है। ने देयर इज नो स्टैंड ऑफ इम्पेडिमेंट, कहने की ने मतलब नहीं, नेम इस होगा नहीं, क्लियर, देयर इज नो स्टैंड, ठीक है। तो स्टैंड मतलब होता है स्थिति, वस्तुतः स्टैंड माने स्थिति होता है। STOND है, कुछ किताबों में दिया है AND है इसमें ना, तो लेकिन ठीक है, STOND भी किसी किसी किताब में देता है। स्टैंड माने यहाँ बाधा होगा, वैसे स्थिति होता है ना, और STAND माने स्थिति होता है, STOND माने होता है बाधा, तो यहाँ ठीक है स्टैंड मतलब स्थिति कह दो। इम्पेडिमेंट माने क्या होता है, बाधा, इम्पेडिमेंट माने ऑब्स्टेकल, OBSTACLE, ऑब्स्टेकल माने बाधा। तो स्टैंड है, स्टैंड माने स्थिति, कुछ किताबों में STOND है, स्टैंड मतलब बाधा होता है, फिलहाल बाधा का अंग्रेजी अलग से दिया इम्पेडिमेंट। तो ने माने नहीं, नो, नेम इज नो, देर इज नो स्टैंड ऑफ इम्पेडिमेंट माने कोई बाधा नहीं होती है, कोई बाधा की स्थिति नहीं होती, स्टैंड माने स्थिति। जैसे कहते जैसे मतलब हम कहते हैं कि ताजमहल स्टैंड्स ऑन द रिवर यमुना, ठीक है ना, यमुना नदी के किनारे स्थित है, क्लियर, स्टैंड माने स्थित होना। तो मतलब देयर इज नो स्टैंड ऑफ इम्पेडिमेंट, बाधा की कोई स्थिति नहीं होती है। इन विट माने बुद्धि में, ठीक है, ये कह रहे हैं कि बुद्धि में बाधा की कोई स्थिति नहीं होती, कहने का मतलब क्या, जहाँ पर बुद्धि होती है वहाँ किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती है। बुद्धिमान आदमी हर बाधा को अपने हिसाब से टैकल कर सकता है, मतलब सुलझा सकता है, ठीक ना, ये चीज कहने का मतलब है। बट मे बी राट आउट बाई फिट स्टडीज, ठीक है, मे बी राट आउट, ठीक है, राट आउट मतलब से वही होता है कि दूर करना,
ठीक है। रॉट आउट मतलब परिष्कृत करना भी होता है, वर्कड आउट या बीटन इनटू से परिष्कृत करना, मतलब परिष्कृत करना मतलब उसे ठीक ठाक कर देना। बाई फिट स्टडीज माने उपयुक्त अध्ययन द्वारा, फिट माने उपयुक्त, ठीक है, फिट माने उपयुक्त। तो इस तरह से कह रहे हैं कि उपयुक्त अध्ययन द्वारा मे बी रॉट आउट, इस सभी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, परिष्कृत करना या ठीक करना। तो मतलब जो भी बाधा होती है दिमाग में हमारे, उसे उपयुक्त अध्ययन द्वारा क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, कहने का मतलब ये है, ठीक। रॉट आउट मतलब वही डन करना, ठीक करना, सही करना, परिष्कृत करना। फिट स्टडीज माने सुटेबल स्टडी, क्लियर। बट मे बी, बट मत मे बी रॉट आउट बाय स्टडीज। अब देखिए सुनो, बट का मतलब होता है, अब यहाँ देखिए एक बात और ध्यान दीजिए, बट माने लेकिन होता है ना, तो लेकिन यहाँ बट का अर्थ जो है जो नहीं वाला अर्थ लिया जाएगा। बट का एक अर्थ होता है जो नहीं, एडजेक्टिव क्लास जब बट बनाता है, बट का अर्थ क्या होता है, जो नहीं। तो फिर इस वाक्य को देख लो, देर इज नो स्टैंड ऑफ इंपेडिमेंट, ऐसी कोई बाधा की स्थिति नहीं होती है, ठीक है। इन बिट, ठीक है, बिट माने बुद्धि, जो बुद्धि में, ठीक है, मतलब कि मतलब बुद्धि में मतलब बुद्धिमान व्यक्ति में, बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा ऐसी कोई बाधा की स्थिति नहीं होती है। बट मे बी रॉट आउट, जो बट मतलब जो नहीं, मे बी रॉट आउट माने ठीक किया जा सके, बाय फिट स्टडीज माने बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा, जो बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा ठीक ना किया जा सके, क्लियर। यानी बुद्धिमान व्यक्ति हर बाधा की स्थिति को ठीक कर सकता है, ऐसी कोई बाधा की स्थिति नहीं होती है जो बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। लाइक माने जैसे, लाइक एज माने ठीक वैसे ही, जैसे डिजीज ऑफ द बॉडी, जैसे मतलब शरीर की बीमारी के लिए, ठीक वैसे जैसे शरीर की बीमारी के लिए मे हैव अप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेज, मतलब अप्रोप्रिएट माने उचित, एक्सरसाइज माने व्यायाम, शरीर की हर बीमारी के लिए उचित व्यायाम होता है ना, रामदेव को जानते हो, उचित व्यायाम बताते हैं हर बीमारी के लिए। उसी तरह से बता रहे हैं कि जैसे शरीर की प्रत्येक बीमारी के लिए अप्रोप्रिएट माने प्रॉपर उचित एक्सरसाइज होती, व्यायाम होती है। अब उसी तरह से कहने का मतलब यह है कि मस्तिष्क की सभी बीमारी के लिए भी उचित क्या होता है, उपचार होता है। तो आगे बता रहे हैं कि बॉलिंग इज गुड फॉर द स्टोन, बॉलिंग माने होता है गेंदबाजी करना, गुड फॉर स्टोन माने होता है पथरी, पथरी की बीमारी के लिए बॉलिंग एक्सरसाइज ठीक होती है गेंदबाजी करना। एंड रेंस, ठीक है, रेंस माने गुर्दा, पथरी और गुर्दा की बीमारी के लिए गेंदबाजी करना ठीक होता है। शूटिंग फॉर द लंग्स, लंग्स माने फेफड़ा, फेफड़े की बीमारी के लिए शूटिंग माने गोली मारना, गोली मारना, ठीक है ना, गोली मारने का अभ्यास करना, जो बच्चे गोली मारने नहीं सीखते हैं मेला वगैरह में जाते हैं। एंड ब्रेस्ट, ब्रेस्ट माने होता है सीना, ठीक है ना, हृदय चाहे का तो, ठीक है ना, छाती या हृदय, तो फेफड़े और हृदय की बीमारी के लिए शूटिंग करना यानी गोली मारने वाली वाला अब एक्सरसाइज ठीक होता है व्यायाम, ठीक है। और जैसे बच्चों को लेके जाते हो आप फेयर में तो क्या करते हैं, कहते हैं गोली मारने का अभ्यास कर लो, ठीक है। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, जेंटल वॉकिंग माने स्लोली वॉकिंग, धीरे धीरे टहलना। स्टमक माने पेट, पेट की बीमारी के लिए सुबह में टहलना जो है आराम से टहलना, ये भी एक्सरसाइज ठीक होता है। राइडिंग फॉर हेड, मस्तिष्क के लिए राइडिंग माने होता है घुड़सवारी करना, ये ठीक होता है व्यायाम, ठीक है ना, घुड़सवारी करने से मस्तिष्क हमारा ठीक रहता है। एंड लाइक, और इसी तरह से और भी सारे व्यायाम हैं। सो इफ मैंस विट बी वॉन्डरिंग, कि सो इफ ए मैन विट बी वॉन्डरिंग, यदि मनुष्य की बुद्धि जो है वॉन्डरिंग माने भटकना, इधर उधर घूमना, मतलब भटक रही हो, बुद्धि भटक रही है। लेट हिम स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, तो उसे गणित का अध्ययन करने दो, लेट माने दो, करने देना कोई काम, तो गणित का अध्ययन करने दो, तो दिमाग उसका भटकेगा नहीं, कंसंट्रेशन हो जाएगा उसमें। फॉर एक डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन माने होता है प्रदर्शन, एक प्रदर्शन में, प्रदर्शन के लिए, ठीक है, अच्छी तरह से प्रदर्शन में, क्योंकि इन डिमॉन्स्ट्रेशन माने प्रदर्शन में, मतलब कोई किसी चीज़ के प्रदर्शन में। हिज, इफ हिज विट बी कॉल्ड अवे, यदि उसकी बुद्धि, ठीक है ना, तो कॉल्ड अवे, कॉल्ड अवे मतलब परिवर्तित होना। नेवर सो लिटिल, तो कभी सो लिटिल मतलब थोड़ा बहुत भी। इफ हिज विट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल, तो यदि उसकी बुद्धि कॉल्ड अवे मतलब परिवर्तित हो जाती है, नेवर सो लिटिल, कभी थोड़ा भी नहीं काम कर रही है। ही मस्ट बिगिन अगेन, तो उसे दोबारा, कह रहा है कि ही मस्ट बिगिन अगेन, तो तुम्हें जो है तो उसे दोबारा शुरू करना चाहिए, मतलब
प्रदर्शन में यदि उसकी बुद्धि जो है परिवर्तित हो जाती है, नेवर सोलिड, कभी थोड़ा भी नहीं काम कर रही है, ही मस्ट बिगिन अगेन, तो उसे दोबारा शुरू करना चाहिए। इफ हिज विट बी नॉट एप्ट, यदि उसकी बुद्धि नॉट एप्ट, एप्ट माने उपयुक्त होना, ठीक है, डिस्टिंग्विश माने क्या था, अंतर करना, तो यदि उसकी बुद्धि जो है नॉट एप्ट, उपयुक्त नहीं हो है टू डिस्टिंग्विश, अंतर कर पाने के लिए, आर फाइंड डिफरेंस, डिफरेंस माने भी अंतर बतलाना, क्लियर, अंतर पाना, तो डिस्टिंग्विश मतलब ये भेद स्थापित करना या अंतर बताना, आर फाइंड डिफरेंस, अंतर अथवा अंतर पाना, यदि उसकी बुद्धि अंतर अंत इस डिस्टिंग्विश मतलब अंतर करने में, आर फाइंड डिफरेंस अथवा अंतर को पाने में, ठीक है, डिस्टिंग्विश माने अंतर पाना, अंतर को बताना या भेद स्थापित करना, ठीक है, तो भेद स्थापित करना या अंतर पाने में उपयुक्त नहीं हो पा रही है, तो ही लेट हिम स्टडी द स्कूलमैन, तो उसे उन स्कूलमैन माने होता दार्शनिक, ठीक है, तो उस उन्हें उसे उस दार्शनिकों का, दार्शनिक मतलब मध्ययुगीन दार्शनिक विद्वान, उसको स्कूलमैन नाम दिया गया, यहाँ स्कूलमैन मतलब द स्कॉलास्टिक फिलासफर्स ऑफ द मिडिल एजेस, मध्ययुगीन दार्शनिक विद्वान, तो उसे उस मध्ययुगीन दार्शनिक विद्वानों का अध्ययन करने दो, क्लियर, तो क्योंकि ये दार्शनिक विद्वान का अध्ययन करेंगे तो उनको अंतर करना समझ में आ जाएगा। फार माने क्योंकि दे आर सिमनी सेक्टर्स, ठीक है, दे आर सिमनी सेक्टर्स, क्योंकि वे सिमनी सेक्टर्स होते हैं, सिमनी सेक्टर्स माने होता है बाल की खाल निकालने वाले, ठीक है ना, बाल की खाल, हाँ मुहावरा निकालना है, मुहावरा भी कहते हैं बाल की खाल निकालना, किसी बात की एकदम गहराई तक जाना, क्लियर, गहराई तक जानने का प्रयास करना किसी बात की, उसको कहते हैं बाल की खाल निकालना, सिमनी सेक्टर्स, क्योंकि वे बाल की खाल निकालने वाले होते हैं, ठीक है, अर्थात किसी बात की एकदम गहराई तक जानने का प्रयास करने वाले होते हैं, ठीक। इफ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स, यदि वह उपयुक्त नहीं होता है टू बीट ओवर मैटर्स, ठीक है, तो बीट ओवर मैटर्स मतलब क्या होगा, पूरे का अर्थ जान लो, बीट माने उसे हराना होता है, मैटर्स माने मान लो, तो इफ ही बी नॉट से लेके ओवर मैटर्स का इकट्ठा अर्थ लिया जाएगा, इसका मतलब होगा यदि उसका मस्तिष्क मामलों को सुलझाने में तीव्र गति से कार्य नहीं करता है, क्लियर, बीट ओवर माने हराना, किसी मामले को हराने का मतलब क्या, मामलों में जो है उसको सुलझाने में, ठीक है, काम करने से मतलब है। इफ ही बी नॉट एप्ट, यदि वह उपयुक्त नहीं हो पाता है, बीट ओवर मैटर्स माने मामलों को हराने का मतलब यहाँ सुलझाना है, बीट ओवर माने सुलझाना, यदि वह किसी मामले को सुलझाने में उपयुक्त नहीं हो पाता, अर्थात यदि उसका मस्तिष्क जो है मामलों को सुलझाने में तीव्र गति से कार्य नहीं कर पाता है, एंड टू कॉल अप वन थिंग, और वह एक चीज़ को कॉल अप माने याद करना, ठीक है, और वह एक चीज़ को याद करता है, ठीक है, टू प्रूव एन इलस्ट्रेट अंदर, टू प्रूव माने सिद्ध करने के लिए, इलस्ट्रेट माने क्या होता है, उदाहरण, उदाहरण देने के लिए, अंदर माने दूसरे का एक चीज़, और एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एन इलस्ट्रेट अंदर, और वह एक चीज़ को दूसरे चीज़ को, एक चीज़ से दूसरे चीज़ को सिद्ध करने के लिए या उदाहरण देने के लिए जो है याद करता है, लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केसेज, तब उसे वकील के केसेज माने मुकदमा या झगड़ा, मुकदमे का अध्ययन करने दो, तो उसे मुकदमे के केसेज का अध्ययन करने दो, समझिए कि नहीं, कब उसको मुकदमे के केसेज का अध्ययन करना चाहिए, यदि जो है टू कॉल अप वन थिंग, वह कोई एक चीज़ याद कर रहा है, किस लिए, टू प्रूव सिद्ध करने के लिए, एंड इलस्ट्रेट और उदाहरण देने के लिए, अंदर माने दूसरे, दूसरे को उस चीज़ को सिद्ध करने के लिए और उसको उदाहरण देने के लिए, अगर एक चीज़ याद कर रहा है उसे क्या करना चाहिए, तो वकील के मुकदमे का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वकील लोग तो यही करते हैं ना, कोई चीज़ सिद्ध करना चाहते हैं उदाहरण देके कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ठीक ना, सो इब्रिड इफेक्ट ऑफ द माइंड, इसलिए जो है कह रहे हैं कि इब्रिड इफेक्ट ऑफ द माइंड, मस्तिष्क के प्रत्येक डिफेक्ट माने दोष, मस्तिष्क के प्रत्येक दोष के लिए मे हैव ए स्पेशल रिसीव्ड, एक विशेष उपचार हो सकता है, इसलिए मस्तिष्क के प्रत्येक डिफेक्ट माने कमी या दोष, प्रत्येक कमी के लिए जो भी वाक्य मस्तिष्क में कमी है दोष है उसके लिए एक विशेष उपचार हो सकता है, समझ में आया, तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे अगला पार्ट, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ठीक है, घंटी को दबा लीजिए ताकि अगले पार्ट की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।